मैं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे लोग लाडिले प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल साहब का बुके एवं शॉल से सम्मान करें, एवं सभी डिग्निटरीज से रिक्वेस्ट है, प्रमोद जी चौधरी एंड सभी हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट की डिग्निटरीज से निवेदन है कि आप आए और हमारे लोग लाडिले सांसद जी का सम्मान करें। अब मैं हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री संजय जी सरावगी जी से निवेदन करूंगा कि राम मंदिर निर्माण हेतु समाज स्तर पे जो समर्पण का अभियान चलाया गया है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी आप सभा को दें। जय श्री राम। मंचस्थ मुख्य अतिथि श्री गोपाल जी, संघ प्रचारक व क्षेत्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, अतिथि विशेष सूरत महानगर संघ महामंत्री श्री केतन भाई लापसीवाला, हमारे लोक लाडिले भाजपा अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल, विश्व हिंदू परिषद सूरत अध्यक्ष श्री अनिल जी रूंगटा, आप सभी को हमारा अभिवादन अग्रवाल विकास ट्रस्ट की तरफ से स्वीकार हो। ये एक ऐसा आज हमारे सामने एक अवसर आया है कि दुनिया का सबसे लंबा अगर कोई मुकदमा चला है तो हमारे सनातन धर्म की राम जन्मभूमि के लिए चला, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 9 नवंबर को जो सनातन धर्म के पक्ष में जो फैसला आया है, मैं आज केंद्रीय हमारे जो सीआर भाई बैठे हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी उप पदाधिकारी बैठे, मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि 9 नवंबर को सच में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली ऐसा लगता है। जय श्री राम। और मैं सी आर पाटिल साहब को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 9 नवंबर को सनातन धर्म विजय दिवस के रूप में इसे घोषित करने का आह्वान करें, ऐसा मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी तक के जीवन काल में व्यतीत हुए सौभाग्यशाली क्षणों में सर्वाधिक महत्व का अवसर रहा कि राम जन्मभूमि पर हिंदू आस्था के विजय स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, तदुपरांत आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का भव्य एवं अदिति मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और गतिविधियां प्रारंभ हुई। इसी क्रम में संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के संबंध पदाधिकारियों से रामकाज हेतु मंदिर निर्माण के मद में दान और संग्रह करने एवं कराने का संदेश सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम के प्रति जो व्यक्तिगत आस्था सदैव अटूट रही है एवं जीवन पर्यंत रहेगी, लेकिन अग्रवाल विकास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष होने के नाते तत्काल विचार आया कि क्यों न इस मुहिम को व्यक्तिगत रूप से ना करके इसको एक समाज के स्तर पर किया जाए, जिससे कि संगठन की एकता तो प्रदर्शित होगी ही, साथ ही व्यापक अग्र समाज सूरत इस राममय पुण्य कार्य में भारी संख्या में भाग लेकर पुण्य का भागी बनेगा। तत्पश्चात हम सभी ट्रस्ट पदाधिकारियों, हमारे अध्यक्ष श्री सुभाष जी अग्रवाल के नेतृत्व में हमारे ट्रस्ट पदाधिकारी एवं अग्रणियों ने इस बाबत कमेटी बनाकर प्रचार प्रसार किया, कोऑर्डिनेट किया, लोगों से संपर्क किया, और इसी दौरान अखिल अग्र समाज सूरत जो सनातनी राम भक्त रहा है, सभी का रिस्पॉन्स हमें कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करता आ रहा है। फलस्वरूप आज हम एक सम्मानजनक दान धनराशि इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। अब इस दान राशि को जब समर्पित करने का समय और ख्याल आया तो फिर एक बार ऐसा विचार बना कि क्यों ना प्रभु का यह कार्य भी खुले मन से उत्सव के रूप में किया जाए, ताकि व्यापक जन जागरण भी फैले। इसी के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो संपूर्ण अग्रवाल समाज के लिए गौरव की बात है, और साथ ही
अग्रसेन भवन प्रांगण को इसका सौभाग्य मिला, इसका हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रभु श्री राम की महिमा अनंत है, उसी प्रकार अग्र समाज सूरत की प्रभु राम के प्रति सेवा भावना भी सनातन है और रहेगी। आगे परमपिता श्री राम हम सेवकों से जो सेवा करवाना चाहेंगे, हम सदैव पद पर तत्पर रहेंगे। इस ऐतिहासिक समागम में आज सभी का सानिध्य, आप सभी का आज हमें सानिध्य मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी दानदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय अग्रसेन। हमारे उपाध्यक्ष जी ने हमें बहुत मोटिवेट किया इस काम को लेकर, और एक दोहा जो है उनको बहुत सटीक बैठ रहा है, राम काज कीने बिनो मोहे काहे विश्राम। जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट का जो सानिध्य मिला है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट का जो परिवार जो बढ़ा है ये राम समर्पण में, वो एक अद्भुत पूर्व अभी तक रहा है। मैं सूरत महानगर के निधि समर्पण समिति के चेयरमैन श्री प्रमोद जी चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अपना वक्तव्य दें। आज तो ये पूरा माहौल राममय है और इसकी शुरुआत उनको याद करके हम करें। मैं जोर से कहूंगा, आप उसके साथ साथ बोले जय श्री राम। मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गोपाल जी, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रमुख श्री सुभाष जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजय जी सरावगी, उपस्थित अग्रवाल विकास ट्रस्ट के पदाधिकारी, भूतपूर्व प्रमुख श्री और सभी सदस्यगण, राम प्रेमी भाइयों एवं बहनों, मैं अपने आप को अनुग्रहित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद एवं सूरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को एक महान कार्य में शामिल होने के लिए दायित्व सौंपा, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मेरे पास श्री नंदू जी शर्मा और रोंगटा जी आए कि आपके साथ चाय पीनी है घर पे। मैंने सोचा कि शिष्टाचार के लिए आए होंगे या कुछ आगे राम मंदिर के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अनुग्रह करेंगे। तो उन्होंने मुझे सीधा आदेश ही दिया कि आपकी सहमति नहीं चाहिए, ये आदेश है और आप इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। हमारी पहली बैठक हुई, उसमें ट्रस्ट के उपाध्यक्ष संजय सरावगी जी भी थे, और कैसे ये संग्रह किया जाए काफी बड़ा टारगेट था, और एक ही भावना रही कि सूरत ने सदा जो भी धार्मिक या किसी तरीके की जिम्मेदारी ली है, सामाजिक जिम्मेदारी ली है, राष्ट्र निर्माण में कोई जिम्मेदारी ली है, उसको सकुशलता से निर्वाह किया है और उस टारगेट को सदा दिए हुए टारगेट से ऊपर ही पूरा किया है। ये सूरत की तासीद है। उस समय यह चर्चा रही कि भगवान राम तो हम सबके हैं, हम सबके श्रद्धे हैं, और ये जानकारी भी मिली कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरे के पूरा खर्चा राम मंदिर का एक व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन
उन सब की ये भावना है कि हर हिंदू का इसमें जुड़ाव होना चाहिए, हर हिंदू की भावना जुड़नी चाहिए, हर व्यक्ति की भावना उसमें जुड़नी चाहिए कि 10 रुपए से ऊपर जो भी धनराशि दे वो स्वीकार की जाए और उसी के तहत विभिन्न समाज यहाँ पे काफ़ी पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर बसे हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग हैं, उनका अपना अपना संगठन है। सूरत एक औद्योगिक नगरी है, अलग अलग उद्योग हैं, हमारे अलग अलग धार्मिक संस्थान हैं, हमारी अलग अलग सोसाइटी है, मार्केट्स हैं, तो क्यों न हम उनकी सोसाइटीज़ को, उन संस्थानों को एक सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनको शामिल किया जाए। उसी योजना के तहत हम लोग ने अग्रवाल विकास ट्रस्ट में मीटिंग की सुबह, नेक्स्ट डे उसमें हमारे प्रमुख श्री संजय जी और 5-7 अधिकारी साथ में थे। और जैसे कहा जाता कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमने लिया कि हम जितने भी बैठे हैं पहले वो अपना धन राशि यहाँ पे लिखाएं, उसके बाद में हम आगे जाएं। और मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी है कि वो ही एक अच्छी शुरुआत हुई जो कि आगे तक एक चलती रही और उसका परिणाम आपके सामने है। और सबसे अच्छी शुरुआत जो कि 15 जनवरी को जो पहला दिन था जिसकी शुरुआत करनी थी, और उसकी शुरुआत हमारे श्री सीआर पाटिल जी के हाथ से पहला चेक हमने लिया और वो वहाँ से शुरुआत हुई। और आज जो सूरत का आंकड़ा है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी धनराशि होगी, क्योंकि उसकी शुरुआत ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है कि जिन्होंने जो भी टारगेट लिया है वो पूरा ही हुआ है। और आज जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट, मेरा ये मानना है कि ये हमारा कुछ नहीं है तो उसी का है और उसी को समर्पण है। हम भले निमित्त मात्र हैं, तेरा तुझको अर्पित, हम इसी भावना से ये पूरी धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं। और आज ये आंकड़ा 5,51,11,111, हम वहाँ पर कह, हमसे पूछा गया था कि भाई अग्रवाल समाज कितना कर सकता है, तो उस समय लगभग आइडिया दिया था कि हम 4 करोड़ तक तो कर लेंगे, लेकिन ये काफिला यहाँ तक रुका नहीं है लगातार। ये तो हमें कल एक कुछ भी एक देना था, जितना कल तक हुआ उतना हमने कहा, लेकिन आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा। ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा इसका कोई अंदाज नहीं है। आज मंच पर हमारे प्रमुख श्री बैठे हैं, गोपाल जी हैं। मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट की एक भावना से और आपको अवगत करा देता हूं कि सबकी हार्दिक इच्छा है कि अयोध्या नगरी में भी ऐसा ही अग्रवाल विकास ट्रस्ट का एक भवन हो और वो सब हिंदुस्तान से आने वाले प्रत्येक धार्मिक बंधु के काम आए। एक ऐसा विशाल भवन बनाने की हमारी इच्छा है, उस इच्छा को आज हमने आपके सामने प्रेषित किया है और हमें आशा है आपके नेतृत्व में यह कार्य संपन्न अवश्य होगा। इतिहास के अंदर 2 दिन हम कभी नहीं भूल सकते, नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और 5 अगस्त 2020 जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, और तीसरा दिन भी हम जल्दी देख पाएंगे। और हम ये हमारी ये जनरेशन है सौभाग्यशाली है कि तीनों दिवस की साक्षी है। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका हार्दिक दिल से तह दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो बीड़ा हमने उठाया उसमें अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने पूरे तन मन धन से सहयोग दिया और आगे भी इसी तरीके से आपका सहयोग मिलता रहेगा।
भारत माता की जय, जय श्री राम। और न कोई सीता की समता नहीं होई दो। ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि सूरत महानगर की जिम्मेदारी अंकल जी आपको दी गई है। हम ये जिम्मेदारी आप ही को नहीं बल्कि अपितु पूरे अग्रवाल विकास ट्रस्ट को, पूरे अग्रवाल समाज को दी गई। और हम ने आज जो आपके नेतृत्व में जो हुआ वो अपने आप में एक ये जिम्मेदारी का कार्यान्वयन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताते हुए आप सभी को बहुत हर्ष हो रहा है कि आज सुबह माननीय राज्यपाल श्री का टेलीफोनिक शुभेच्छा हमारे उपाध्यक्ष श्री संजय जी सरावगी को आज मॉर्निंग में ही दिया गया। और आचार्य देवव्रत जी ने ये इस बात की नोट ली और एक शुभेच्छा मैसेज टेलीफोनिक द्वारा उनको दिया। तो हम आचार्य देवव्रत जी हॉनरेबल गवर्नर श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मैं 251,000 वाले जो हमारे समर्पण करता है उनकी लिस्ट को आगे बढ़ाता हूं। श्याम जी अग्रवाल अल्फा, तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी दामोदर प्रसाद जी छापरिया सुचित्रा से पप्पू जी 251,000। सुमित अग्रवाल सानिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 251,000। सुरेंद्र जी दालमिया, सुशील जी मित्तल अंबाजी साड़ीज, तन्मय अग्रवाल, तालियों का दौर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। वरुण श्याम सुंदर अग्रवाल भागल वाले अगर उपस्थित हैं यहाँ पे तो जरूर से, श्याम अंकल जी हैं बिल्कुल। विकास जी सहरिया, विमल जी पोदार, विनय अग्रवाल स्वास्तिक से, विनोद जी अग्रवाल शिल्पा से, विष्णु जी चौधरी एक बार जोरदार तालियां हमारे समर्पणकर्ता के लिए, एवं विष्णु जी गोयंका। अब मैं 200,000 की जिन्होंने समर्पण दिया, इसके अलावा एक लिस्ट है जहां हम जिन्होंने सीधे कार्यालय पे जमा कराए वो लिस्ट अलग से हैं, उनको मैं अलग से अब यहाँ से अनाउंस करेंगे। अरुण नटवर लाल नक्कीपुरिया जी, विद्याकर जी बंसल जी 151,000 का निधि समर्पण जिन्होंने किया, मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ। आनंद जी केड़िया शिवम, ओम प्रकाश जी सोनथलिया, अंकल जी पवन गुप्ता, पुनीत रुंगटा, सुजाता सिंथेटिक्स, सुभाष जी मित्तल, सुभाष जी पाटोदिया जी मन से अभिवादन, वासुदेव जी कोकड़ा। 111,000 का जिन्होंने निधि समर्पण किया उनका अनाउंसमेंट करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें हमारे अतिथि श्री को कि जिस तरह से राम जी को जब लंका जाना था और समुद्र जो है वो एक बाधा के रूप में आ रहा था, तो राम जी चाहते तो एक तीर से उसको पूरा सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने सुखाने का विनाश का रास्ता ना चुन के सेतु का निर्माण किया। तो राम मंदिर भी जो है वो राष्ट्र का मंदिर है जो अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस श्रृंखला में हर वर्ग और हर समाज जुड़ा है और हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट की महिला शाखा की पूरी टीम की ओर से 111,000 का संकल्प अग्रवाल विकास ट्रस्ट की युवा शक्ति की ओर से 111,000 का संकल्प, एवं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के हमारे कर्मचारियों की तरफ से 111,000 का संकल्प। पांडे जी अभिवादन स्वीकार करें। अजय गुप्ता बबल, आलोक जी जैन, सिटी प्लस, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जो है हमें लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ना है। ये 200 प्लस डोनर्स का हमारा परिवार है। आनंद जी सतनालीवाला, श्री अनिल अग्रवाल रुचि साड़ीज, अर्जुन जी टिबरेवाल, अरुण पाटोदिया जी एवं पुखराज जी अग्रवाल, ओम प्रकाश जी मित्तल की ओर से शुभेच्छक, अभी में लाइव डोनेशन 100,000 का, अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी तोला,
अशोक जी बनारसी ग्रुप, अशोक जी टिबरेवाल भास्कर मिल, जय श्री राम, अवधेश जी टिकमानी महिमा साड़ीज, बीएस अग्रवाल जी, बनारसी दास जी अग्रवाल, जय श्री राम अंकल जी, ब्रिजमोहन जी अग्रवाल संगम साड़ीज, दीपक सोहनलाल जी अग्रवाल, गोविंद जी डंडानिया लक्ष्मी रमन टेक्सटाइल, हनुमान प्रसाद बिहारी लाल जी टिकमानी, कैलाश जी अग्रवाल सीए उपस्थित हैं, हमने कैलाश जी अग्रवाल सीए, कैलाश जी सरावगी, कमल अग्रवाल सलोनी साड़ीज, कमल जी मस्करा मंगलम वीविंग, ये सभी समर्पणकर्ता 1,11,000 की धनराशि से अपना समर्पण दे रहे हैं। कमल ताराचंद जी अग्रवाल, किरोड़ीमल जी गर्ग कॉस्मो से, महारानी ज्वेलर्स रुंगटा ब्रदर्स, मामन चंद जी राजीव भैया से रिक्वेस्ट समर्पण स्वीकार करें, मनीष अग्रवाल निशु साड़ीज, मनोज गोयल श्याम फैशन, मुरारी जी सराफ, नंदू जी वीके एंटरप्राइज, नरेंद्र जी जिंदल, नटवर जी टाटनवाला, ओम प्रकाश जी झुंझुनवाला, ओम प्रकाश जी सुंदर का, ओम प्रकाश जी गर्ग कॉस्मो, पवन जी बंसल, पवन श्याम सुंदर अग्रवाल सावित्री टेक्सटाइल्स, प्रकाश जी मोर, राधिका प्रिंट्स, राजीव सिंघानिया, राम जय राजा राम, राजकुमार जी तुलसियान नीरज अभिषेक, जय सीताराम, राम राम, राकेश जी नांगलिया, राम राम, राकेश जी गोयल, रमेश जी अग्रवाल, रतन लाल जी सराफ, राम जय, रविंद्र कुमार आर्य जी, राम राम, सज्जन जलान बबलू जी, राम राम जय सीताराम, संजय अग्रवाल एमके टेक्सटाइल्स, संजय खेतान गणपति टेक्सटाइल्स मिलेनियम मार्केट, संस्कृति नीरज धीरज एवं मनीष, शेखर गुप्ता रीना फैशंस, श्रवण जी शीतल ग्रुप, श्याम गर्ग, श्याम जी कोकड़ा, सीताराम जी मोड़ा, सुनील अग्रवाल सुमित क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, सुनील गुप्ता, सुनील मित्तल शैलजा ज्वेलर्स, सुरेश अग्रवाल डिसेंट प्रिंट्स, सुरेश जी बहलिया अंकल जी उपस्थित हैं, सुशील जी चिरानिया, टीलू जी एसके एंटरप्राइज, विजय अग्रवाल राधिका मिल, विजय कुमार सरावगी, विनोद जी प्रमोद जी विवा सिटी, ये सभी समर्पणकर्ता जो है इन्होंने 1,01,000 का समर्पण दिया है। विनोद जी सतनानी वाला, विनोद जी तुलसियान राधिका मिल, विनोद जी अग्रवाल मधुप्रिया। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ समर्पणकर्ताओं जिन्होंने सीधे कार्यालय पे ट्रांसफर किया है, श्री अनिल जी सोरे वाला गंगा साड़ीज 5,00,000, बालकिशन डाइंग कन्हैया भाई कोकड़ा 3,51,000 अंकल जी, श्री जुगल जी अल्फा 2,00,000, विजय जी खेमानी 1,00,000, श्री सुशील जी जिंदल 1,00,000, मुरली वाला डाइंग एवं अशोका डाइंग से 1,00,000 का कंट्रीब्यूशन हमारे सूरत भाजपा के महामंत्री श्री किशोर जी बिंदल की ओर से। इसके साथ साथ श्याम मंदिर परिवार ने कुल 21,00,000 का निधि समर्पण अपनी ओर से दिया। एक बार जोरदार जय श्री राम। प्रदीप जी ये श्याम मंदिर के कार्यकारिणी की ओर से हैं, श्री प्रदीप जी अग्रवाल शुभम 2,51,000, श्री कैलाश जी कानोड़िया 2,51,000, श्री विनोद जी कानोड़िया 1,11,000, श्री प्रकाश जी तोदी 1,11,000, श्री सुशील जी गाड़ोदिया 1,11,000, श्री परसराम जी दोदराज का 1,11,000, श्री राजेंद्र जी जोगानी जेटेक्स
111,000 श्री ताराचंद जी अग्रवाल 111,000 एवं मनोज जी एवं अशोक जी ढोकावाला की ओर से 101,000। इसके साथ जो बाकी समर्पण आया है टोटल 21,00,000 का समर्पण प्रकाश जी तोदी के नेतृत्व में, अध्यक्ष के नेतृत्व में श्याम मंदिर की ओर से दिया जा रहा है। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। और अब समय आ गया है कि आप सभी की ओर से जो समर्पण दिया है वो समर्पण प्रासंगिक रूप में हम एक चेक के द्वारा 5,51,11,111 की निधि समर्पित करें हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के श्री सी आर पाटिल साहब। मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कृपया करके इस घड़ी को आप ज्वाइन करें और हम सब जय श्री राम के जोरदार जयघोष करेंगे। से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, आपका मार्गदर्शन दें। भारत माता की जय श्री राम। थोड़ा धीरा हो गया संजय भाई ने बोला था, जोर में बोला था, अभी आप क्यों धीरा बोलते हो। जय श्री राम। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के दौरान आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि श्री आदरणीय गोपाल जी, निधि के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद भाई चौधरी, हमारे उपाध्यक्ष श्री संजय भाई, श्री चेतन भाई, श्री अनिल भाई रुंगटा, श्री सुभाष भाई अग्रवाल, बाकी सबके नाम लिखे नहीं हैं, आदरणीय डायस, और यहाँ पर सब पधारे हुए महारथी सभी समाज के अग्रणी भाई और बहनों, मुझे बताया, एक लिस्ट पकड़ा दिया कि किसने क्या दिया। आप लोगों का एक बहुत अच्छा है, लिस्ट में बता तो देते हैं कि क्या दिया और फिर कहते हैं हमारा तो गुप्त दान है। संजय भाई, मैं आपको और प्रमोद चौधरी को दोनों का जो नाम लिखा है मुझे लगता है बहुत कम है, मेरा चश्मा ठीक करके देख लिया एक बार। आप लोगों को क्या लगता है, कम है ना, कितना बढ़ाना चाहिए? आप बोलो उतना बढ़ा देते हैं, बोलो आपको कितना बढ़ाना चाहिए। हम बुला के गलती कर दिया सर, गलती कर दी पकड़ा के। कोई ठीक करो यार, ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। नहीं बता दो ना अभी सबके सामने, नहीं गुप्त अभी आपने कभी किया है क्या? कितना करें? हाँ बताओ बताओ, आप लोग बोलो। बाबूलाल जी बोलिए, आप बाबूलाल जी सबसे सीनियर है। बाबूलाल जी रिश्तेदार का नुकसान नहीं करेंगे। आपके कार्य में कभी नुकसान नहीं होता। अगर बाबूलाल जी कम बोलेंगे तो मैं और किसी को पूछ लूंगा।
ये तो ऐसा है कि घी कहाँ गया तो खिचड़ी में। हाँ, भवन भी बनाया तो आपका ही भवन। मैं मंदिर निर्माण की बात है आज, और भवन तो हो जाएगा। यहाँ वो यहाँ फिगर क्या करेगा गोपाल जी, क्या करें? ऐसा छोड़ थोड़ा दे। आप सबको जानते हैं, मैं इनको तो जानता हूँ और नीचे बैठे उनको भी जानता हूँ। पहले इनका एक कर लेते हैं, उसको 61 61 कर दो। वैसे तो मैं 75 बोलने वाला था दोनों का। मुझे लगता है बड़े बड़े लोग बैठे हैं और जेपी साहब अपने आप को बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा। जेपी साहब क्या करे? अब जब सांप लग गया है तो कुछ बोलना पड़ेगा। जेपी साहब क्या करेंगे, सबके सामने बोलता ना भाई, इसीलिए तो मुझे बुलाया। मेरा 5 लाख लिखा हुआ है, 21 लाख। 21 लाख, वाह। गोपाल जी आपको तो लगता होगा 5 का 21 चार गुना कर दिया, ऐसा लगता है ना आपको? ये भी कम है, ये भी कम है, मगर उन्होंने अपने मर्जी से कर दिया है। बाकी में ये जो 61 वाले लाइन में ही है वो भी, और इनसे ये तो नहीं, अभी तो उन्होंने अपने मर्जी से किया, बाकी आप देख लो। नारायण बाबू अब वो जेपी साहब के बगल में तो बैठ जाते हो, और फिर वड़ील से कुछ ज़्यादा करना चाहिए। 21 लाख कर दो, 11 लाख, ठीक है 11 लाख कर दो। बताइए आप, बगल वाले को भी कुछ बोलो ना। जुगल जी, जुगल जी अग्रवाल, आप तो अभी तो सेल्फी लिया मेरे साथ, ऐसा फ्री थोड़ा होता है। 11 लाख नीचे मेरे से अभी सेल्फी लिया तो फिर ऐसा हिम्मत तो देनी पड़ेगी। बना लिया था, तुम लिख रहे हो ना, ऐसा ही तुम्हारा काम तो लिखना ही है। ये सब सीए को आपने यहाँ इसके लिए बिठा दिया कि सबका लिखते जाए। आप क्या करेंगे इधर? बाबूलाल जी सब रिटायर्ड वाले हैं, ऐसे तो कम है, 5 लाख। मैं बोला ना अध्यक्ष है आप, तो यहाँ रह चुके अग्रवाल समाज में, चलो 11 तो कर दो। और शाम जी चले गए क्या? देखो बच के चले गए। अभी आप सब समझ लो, जो भी आपने दिया है वो बहुत कम दिया है। अब अपने मर्जी से जरा लिखवा देना जाने के पहले, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के। मुझे ऐसा लगता था कि 11 करोड़ का तो आप सब मिला के दे ही देंगे। बहुत सिंपल गणित है, सूरत में मजूरा एक विधानसभा में करीब अग्रवाल समाज के 53,000 वोट है। अब एक घर में हम 3 पकड़ते हैं ना तो भी 20,000 घर हो जाते हैं। अब 20,000 घर में अगर आप 1-1 लाख रुपया लोगे ना तो भी मुझे लगता है 200 करोड़ हो जाते। कितना होता है
कितना होता है? 200 हो जाता है ना। मैं क्या सब अग्रवाल के साथ रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा गणित आ गया है, पैसे वाला हूँ। कम करना पड़ेगा बैठना, नुकसान होता है। ज़्यादा तो मुझे संजय जी ने बताया, लक्ष्मीपति नाम लक्ष्मी में लेके जाके ले जाके बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए कि सब घर में जाके एक एक लाख रुपया ले लो और आप देखो कितना पैसा, सब मत दे दो, 100 करोड़ ही देना, बाकी आप वो भवन के लिए रखना है। पर इस तरीके से एक ट्राई करो और दो जगह आप भवन बनाइए, एक अयोध्या में बनाइए, एक कश्मीर में बनाइए, दोनों जगह पे आपका भवन होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण का एक सपना हम देख रहे थे, सपना देखते हुए कभी सोचा नहीं था कि ये सपना साकार हो जाएगा। 400 साल से इस लड़ाई लड़ी जा रही थी, कई बार ये लड़ाई में हारना भी पड़ा, फिर भी लड़ाई बंद नहीं हुई, कई लोगों ने अपनी आहुति दे दी, कई लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए कई कष्ट उठाए, और पूरे देश के लोगों का मन था कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। राम मंदिर तो देश में बहुत से जगह पर है, मगर अयोध्या में बनना चाहिए, राम जन्मभूमि पर ही राम का मंदिर होना चाहिए। कई जो इस देश के लोगों के मन की भावना है, उनके जो सपने हैं, उनकी जो अपेक्षा है, वो पूर्ण करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने उठा के रखा है। ये काम भी मैं नहीं मानता कि अगर और कोई भी प्रधानमंत्री होता, बीजेपी से भी होता, तो भी ये मंदिर निर्माण का काम इतना शांति से नहीं सलटता। संघ ने कई सालों से लोगों को पूरा जागृत रखा, विश्व हिंदू परिषद ने इस लड़ाई को जमीन पर लड़ी, बहुत कुछ खोया भी, मगर बिल्कुल डटे रहे। और आप लोग ने जहाँ भी जब भी सहयोग करने की ज़रूरत पड़ी, दिल खोल के सहयोग किया, और इसी के वजह से ये जो आज कोर्ट ने जो निर्णय किया, पूरे देश के सभी संप्रदाय के लोगों ने इसमें सहयोग किया, किसी ने विरोध नहीं किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी के वजह से आज इस मंदिर निर्माण का काम जो हम चाहते हैं उस तरह से चल रहा है। मोदी साहब ने तो कहा था कि किसी टाटा बिरला या ना रिलायंस को दे दो कि ये मंदिर निर्माण करना है, वो अकेले कर देंगे, उसके लिए इस तरह धन संग्रह की आवश्यकता ही नहीं। मगर सबका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये मंदिर का कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई भाव नहीं आएगा। एक अच्छा वास्तु खड़ा हो जाएगा, मगर उसके प्रति हमें सिर्फ एक मंदिर का जो एहसास होना चाहिए वो उसमें भाव नहीं आता। आज हम मंदिर में सहयोग करेंगे, कल वो मंदिर में जाएंगे, या हमारे आने वाली पीढ़ी के लोग जाएंगे तो कहेंगे नहीं, हमने भी, हमारे पूर्वजों ने भी इसके अंदर सहयोग किया है जब ये मंदिर निर्माण हुआ है। और सहयोग उसी के लिए घर घर जाकर संघ के द्वारा जो निर्णय किया गया कि हर घर जाकर हर हिंदू के पास जो सहयोग दे सके हो, अपने मर्जी से दे सके, उस तरह से ये सहयोग लेने की जो चेष्टा की गई है, उसकी वजह से इतनी जागृति है कि हर किसी को लगता है कि मैं भी कुछ ना कुछ दे दूं। एक रिटायर्ड टीचर्स, वो दोनों ही है पति पत्नी, उनके इनकम ही है पेंशन, उनके पास करीब 2.5 लाख रुपया था, उन्होंने पूरा चेक दे दिया, दोनों ने पति पत्नी ने सम्मति के साथ दिए थे कि हम पेंशन से गुजारा कर देंगे, मगर मंदिर निर्माण में सहयोग, ये उसका जो 2.5 लाख है वो आप लोगों का 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, क्योंकि तो उसके पास तो उतना ही है। ऐसे कई किस्से हैं, जो बच्चे हैं उसको भी मंदिर निर्माण की क्या आवश्यकता है वो समझते हैं, और वो भी अपने जो जेब खर्च में पॉकेट मनी में से भी बचाकर इसमें सहयोग करना वो सीखे हैं, और उसके लिए ग्रुप बना के भी काम कर रहे हैं।
हमने यहीं पर देखा, युवाओं ने किया, बहनों ने किया, उन्होंने भी एक संकल्प किया, यहाँ जुड़े हुए स्टाफ ने भी किया, यानी हर व्यक्ति ने इस मंदिर निर्माण में सहयोग करने की चेष्टा की। इस मंदिर निर्माण से क्या होगा, ये मंदिर निर्माण से क्या हो सकता है, उसका एक उदाहरण जब लंदन में प्रमुख स्वामी जी ने जो स्वामी नारायण का मंदिर बनाया था उस टाइम उन्होंने जो कहा था वो कहने जैसा है, सुनने जैसा है। संघ की शिविर थी, कार्यक्रम था अहमदाबाद में, वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, प्रमुख स्वामी खुद उस कार्यक्रम में आए थे और स्टेज पर से जब उन्होंने कहा था, राम मंदिर के बारे से ही बात शुरू हुई और उन्होंने कहा कि हमने जब लंदन में मंदिर बनाने के लिए वहाँ एक चर्च खरीदा, वहाँ चर्च खरीदना बेचना चलता रहता है, उनको भावनात्मक लगाव नहीं होता, तो चर्च खरीदने के बाद उन्होंने वहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए जब परमिशन मांगी तो वहाँ के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी। प्रमुख स्वामी जाकर खुद वहाँ के उच्च अधिकारियों को मिले और उन्होंने कहा कि देखो हम यहाँ पेट के लिए आए हैं, हमें मंदिर निर्माण की मंजूरी दे दीजिए। अधिकारियों ने कहा कि आप पेट के लिए आए तो ठीक है, आप बिजनेस करिए, काम करिए, उसके लिए मंदिर की क्या आवश्यकता है। प्रमुख स्वामी ने जब उनको कहा कि हम पेट के लिए आए मगर हमारी संस्कृति हम साथ में लेके आए हैं और इस संस्कृति के जतन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके प्रचार के लिए हमें व्यक्ति विशेष का निर्माण करने के लिए मंदिर की आवश्यकता है। अधिकारी ने पूछा कि ये मंदिर से व्यक्ति विशेष कैसा निर्माण होगा, तब प्रमुख स्वामी ने कहा था कि हम जो व्यक्ति विशेष निर्माण करेंगे वो जिस देश में रहेगा उस जिस देश के प्रति वफादार रहेगा, वो जो काम करेगा वो काम प्रामाणिकता के साथ करेगा, वो इस देश में या इस समाज के अंदर कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा। इस तरह से सर्वगुण संपन्न व्यक्ति विशेष की हम व्यक्ति विशेष का हम निर्माण करेंगे। तब उस वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अगर प्रमुख स्वामी आप ऐसे व्यक्ति विशेष का निर्माण करते हो तो आप एक नहीं अनेक मंदिर यहाँ पर निर्माण कीजिए, हम आपको परमिशन देने के लिए तैयार है। उसके बाद वो मंदिर बना, मंदिर बहुत भव्य है, मैं भी जब लंदन गया था तो मैंने देखा था, मगर ये जो मंदिर बनेगा मुझे लगता है विश्व में सबसे बड़ा मंदिर ये बनेगा, विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स या राम में आस्था रखने वाले लोग होंगे तो उसका भी एक विक्रम सर्जक आंकड़ा होगा या फिगर जो आएगा वो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे पीछे चार्टर्ड अकाउंट बैठे हैं उनके कैलकुलेटर में आंकड़ा नहीं आएगा, इतने लोग उसके लिए दर्शन के लिए जाएंगे। और राम मंदिर या जय श्री राम जब हम कहते हैं तो उसी के साथ हमारा लहू गर्म हो जाता है, हम भावनात्मक रूप से राम के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे कहते हैं ना किसी को भी कि कैसा व्यक्ति विशेष निर्माण होना चाहिए, तो राम जैसा होना चाहिए कि जो नीति पर चलता है, उसने कभी अपने जीवन में अनीति नहीं की, उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मगर धर्म की रक्षा करने के लिए राक्षसों का नाश भी करना है तो उसके लिए युद्ध भी किए, यानी इस तरह का तो भगवान नाम का जो मंदिर बनेगा उसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी होगी कि पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करेगा। इसीलिए मंदिर ऐसा निर्माण होना चाहिए कि अभी तक हम कहते हैं ना 7 अजाइबी है, 8 अजाइबी है, 9 अजाइबी है, ये ऐसी अजाइबियों में से सबसे पहला हो को जो धर्म के साथ भी जुड़ा है, सबसे बड़ा जो वास्तु है उसके साथ भी उसका नाम हो। और इसी के कारण इस मंदिर निर्माण के अंदर जब हम सहयोग करते हैं तो हम कोई मदद नहीं करते, हम भगवान को राम को भगवान कहते हैं, तो भगवान राम को कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, मगर हम सहयोग करने के जो हमें एक मौका जो हमें आज मिल रहा है वही हमारे लिए धन्य घड़ी है कि भगवान राम के मंदिर में हम सहयोग करने का मौका हमें मिला है। और उसी के कारण जब हम कुछ देते भी है तो हमारे मन में जो भावना होती है, मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम कितने स्वार्थी होते हैं,
हम अगर भिक्षुक मंदिर में जाते हैं और बाहर किसी भिक्षुक को एक रुपया देते हैं तो ऊपर देखते हैं कि भगवान देखना मैंने एक रुपया दान किया, एक लाख का फायदा करवा देना, कहते हैं क्या नहीं। मगर अब जब हम खून देते हैं, रक्तदान करते हैं, उस टाइम सोते हुए ऊपर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं कहते कि भगवान देखना मैंने एक यूनिट ब्लड दिया है, मुझे 100 यूनिट दे देना, ऐसा वहाँ नहीं कहते। वहाँ वो गुप्तदान करते हैं, यानी वो किसको जाने वाला है पता नहीं, वो कभी आपको कहेगा नहीं, थैंक यू कहने नहीं आएगा। फिर भी आप अपने में, अगर शरीर में से अगर एक बूंद भी खून निकलता है तो मुंह में उंगली रखकर चूस लेते हैं, मगर उसको बाहर नहीं आने देते। मगर हम किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपने शरीर से एक बॉटल ब्लड निकाल के दे देते हैं। ये दोनों में, ये दोनों जो भावना है, वो दोनों भावना हमारे मनुष्य के मन में रहती है कि गुप्तदान भी करना और कुछ दान करके उसके सामने कुछ मांग लेना। मगर यहाँ ये जो दान करने का मौका जो मिलता है हमें, राम मंदिर के निर्माण में जो सहयोग करने का जो मौका मिलता है, वो हमें धन्यता प्राप्त करता है। और इसी धन्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। मैंने जो काउंट किया के आपको बताया, तो जो यहाँ तो करीब 2.5 लाख वोट है मजूरा विधानसभा में, और उसमें अग्रवाल कितने हैं वो भी मैंने आपको आज बता दिया। वोटर्स की बात की, बच्चों की बात नहीं की उसके अंदर, कि हम भी तो स्वार्थी है ना, जो वोट डाल सकता है उसी को संपर्क करें। तो 18 के ऊपर वाले जो लोग हैं उसको कहा, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल दिल खोल के इसके अंदर जुड़िए, बाकी लोगों को भी जोड़िए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, 5.5 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, और 5.5 करोड़ का अगर कोई भी एक समाज ने सूरत में अगर दान ये सहयोग किया है तो पहला है अग्रवाल समाज ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। तो यही आपको शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। मुझे भावनगर होकर अहमदाबाद पहुँचना है, अभी तो इलेक्शन है, कई लोग आपके पास भी आते होंगे, CR पाटिल को जानते हो क्या, तो सिफारिश कर देना, आते हैं कि नहीं, आने तो आपका भी मान बढ़ेगा, अच्छी बात है। मगर उसके बाद का जो कार्यक्रम आएगा उस टाइम भी आप जरा खुल के आना बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, जय श्री राम। एक मीडिया विजुअल के लिए हम एक बार वापस से, एक मिनट आप यहीं बने रहिए, हमारे मुख्य अतिथि श्री का अभी उद्बोधन है, सभी समर्पण के तरह से निवेदन, एक बार यहीं बने रहे, बस एक मीडिया विजुअल के लिए कर रहे हैं। लव कुश राम प्रसन्न विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले जो भाई, कैसे राम ताड़ी का माई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पाटिल साहब का मार्गदर्शन अग्रवाल विकास ट्रस्ट परिवार को और अग्र बंधुओं को मिलता रहता है, और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगर मुहिम चलाई जाए और वहाँ पे अगर मूर्त रूप किया जाएगा तो विनोद जी अग्रवाल लक्ष्मी की तरफ से 21 लाख रुपए का अनुदान उन्होंने कंफर्म किया है कि अगर वहाँ पे राम मंदिर में अयोध्या में अग्रवाल भवन बनता है तो उनकी तरफ से 21 लाख रहेंगे। माननीय पाटिल जी का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट परिवार के मार्गदर्शक रहे हैं अग्रवाल, हम सभी अग्र बंधु के शुभचिंतक रहे हैं, आपके आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम